ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध, उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है। इन्हें तीन बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो। इन लोगों को बांटो और राज करो की वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, एपीजमेंट बिल्कुल नहीं। हम शत प्रतिशत सेचुरेशन की बात करते हैं जिसमें किसी से भेदभाव न हो। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी की राजनीति से भी नफरत है। कांग्रेस के हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। केसीआर जो कांग्रेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने इरिगेशन स्कीम्स शुरू की और इरिगेशन स्कीम्स को उन्होंने इरिगेशन स्कैम बना डाला। शुरू तो करते हैं इरिगेशन स्कीम, बन जाता है इरिगेशन स्कैम। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका घमंड सातवें आसमान पर है। बीसी समाज का ये घमंड तोड़ कर रहे, ये बीसी समाज कांग्रेस के इस घमंड को चूर चूर करके रहेगा और ये हम सब ने संकल्प करना चाहिए। ना कुटुंब सभ्युलारा, ये लोग शोषितों वंचितों के साथ नहीं, बल्कि इन्हें सबसे ज्यादा अपना स्वार्थ दिखता है। केसीआर ने दलित सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनकी दलित बंधु स्कीम बीआरएस विधायक बंधु स्कीम बन गई। इन दोनों दलों ने मिलकर भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए भी आकाश पाताल एक कर दिया।